सर अब बात करते हैं, एक महिला का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपने उनका स्टिंग किया है, एक जज का स्टिंग किया है। कौन सी महिला की बात कर रहे हैं पहले आप ये बताइए, कौन पांडे? भावना पांडे देश में दो हैं, एक भावना पांडे हैं जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए जानी जाती हैं, अक्सर कभी वो ग्राउंड में अपनी टी शर्ट उतार कर दौड़ने की बात करती हैं कभी दूसरी, और एक भावना पांडे हैं जो दलाली के लिए देश में जानी जाती हैं। एक भावना पांडे ये वही हैं जिनके चलते इतिहास में पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश को जेल जाना पड़ा, सीबीआई से खुद भी जेल गई, 2001 में सीबीडीटी के चेयरमैन के साथ जेल गई, और अपनी दलाली और लाइजनिंग के लिए जाना जाता है। सीबीआई ने आरोप पत्र उनके खिलाफ दाखिल किया जिसको माननीय न्यायालय ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आतंकवादी कोड इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से ये कोड इस्तेमाल करके जजेस के साथ बात करती थी और दलाली का धंधा करती थी, मेडिकल स्कैम में जेल गई। आप उनकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सर ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये तो पहले ये पता करिए कौन सी भावना पांडे, फिर जवाब देंगे इसका भी। ठीक है सर, एक सवाल और कहा इन्होंने आपके लिए, महिला ने आरोप लगाया हेलीकॉप्टर से बागेश्वर पहुंचे जहां 400 लोगों की फैमिली है, मात्र 3 ऑक्सीमीटर दिए हैं, इसकी ऐसा ये बागेश्वर के लोग बताएंगे कि कितने ऑक्सीमीटर दिए हैं? ये मूर्खता की बातें जो करते हैं ओछे छिछोरे लोग जिन्हें यही नहीं पता होता, आप उत्तराखंड को क्या मूर्ख समझते हैं? अगर मैं बागेश्वर जाता और 3 ऑक्सीमीटर दे के आता वहाँ क्या बवाल होता पता नहीं था आपको? आपको लगता नहीं कि हंगामा नहीं? आज भी हमारी टीमें कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में हमारी कारें, हमारी टीमें 100-100 लोग काम कर रहे हैं, एक एक आदमी। आज हम धारचूला में हैं, धारचूला के अंदर आज लगभग 100 ऑक्सीमीटर बांटे गए हैं। ये मूर्खता की बातों का जवाब मेरे पास है नहीं। मैं देखिए मैं कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहता, उनके साथ उलझना नहीं चाहता, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति ने कहा था कि जब आप चलें और कुत्ते भौंकें तो उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, भौंकने दीजिए, हु केयर्स। अच्छा सर एक लास्ट सवाल ये है कि उन्होंने एक बात और कही उसकी भी सच्चाई आप बताना, क्योंकि आपका पैसा खर्च हो रहा है और उत्तराखंड के लोग इस चीज़ का आपको कह रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ के हम तुम्हारे साथ हैं। हेलीकॉप्टर की एक लैंडिंग में एक जाने आने में कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि वो जो महिला आरोप लगा रही है लैंडिंग में जितना भी खर्चा आ रहा है सब लोग जानते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छुपा कर लेंगे। ये बस नहीं है डीटीसी की कि पकड़ी आपने आप गली में चले गए और आ गए, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, एक एक सेकंड का रिकॉर्ड होता है भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, और सारे पैसे जितने खर्च कर रहा हूँ मैं अपने निजी खाते, अपने सेविंग बैंक अकाउंट से खर्च कर रहा हूँ, लिख लीजिए सुन लीजिए गौर से, अपने निजी बैंक खातों से खर्च कर रहा हूँ। कंपनीज को जितना पैसा जा रहा है सब मेरे निजी बैंक खातों से जा रहा है, तो इसलिए मैं ये सब बातों का जवाब। आरोप देखिए क्या है, जिन लोगों ने खुद कुछ करना ही नहीं है, दो पतीले रख के राशन बांट के अपने आप को लोग जो मसीहा बनना चाहते हैं, मैं उनकी बात का जवाब देना नहीं चाहता, ना मेरे पास इतनी फुर्सत है, जिसको भौंकना है भौंकते रहे। तो यही महिला का तो आरोप लगा ही रही है लगातार, लेकिन आगे के लिए मैं आपसे सवाल, कौन सी है ये? वही दलाल महिला है जिनको देश भर में दलाली के नाम से जाना जाता है, या कोई और भावना पांडे है? ये वही भावना पांडे हैं, ये वही भावना पांडे हैं जिनको मुख्य न्यायाधीश जो हैं रह चुके, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जेल जाना, एक महिला के साथ सीबीआई का गिरफ्तार करना छोटी बात समझते हैं, मेडिकल स्कैम में आप सीबीडीटी के चेयरमैन का जेल जाना छोटी बात समझते हैं, उनके साथ जेल जाना, जो महिला दो दो बार सीबीआई जिनको जेल भेज चुकी हो वो किस नैतिकता से बात कर रही हैं? पहले अपने गिरवान में झांकें उसके बाद बात करें, गैंग चलाने वाले मुझे बताएंगे इनकी हैसियत है? एक सवाल और है कि आगे के लिए और क्या क्या प्लान है उत्तराखंड को लेकर, और क्या क्या सहायता? समय समय पर आपको सब प्लान पता लगते रहेंगे, हमारा काम जारी है, जारी रहेगा। पिछले 1.5 साल से कोविड में आपको पता है हम 6,000 लोगों को, प्रवासियों को चार्टर प्लेन के माध्यम से, शेड्यूल फ्लाइट्स के माध्यम से, ट्रेनों से, बसेस से लेकर आए हैं, लाखों लोगों को हमने राशन भिजवाया है, खिलाया है, और ये क्रम जारी रहेगा, ना किसी के आलोचना करने से रुका ना रुकेगा। मैंने फिर कहा कुत्ते भौंकते हैं वो भौंकते रहते हैं, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं संयमित भाषा का इस्तेमाल करूँ कि साहब मैं बहुत, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कुत्ते भौंकते हैं भौंकते रहें, मेरी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए सर की गाड़ी है जिसमें ये जा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, उन्होंने वो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करी है, और हम उनसे और भी सवाल करेंगे आने वाले समय में और पूछेंगे सवाल, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं उत्तराखंड के लिए आगे भी काम करता रहूँगा और लगातार मैं जुड़ा रहूँगा इस चीज़ से जो उत्तराखंड के लिए फायदे की चीज़ होगी। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।